सारे लोग आएंगे, आपको बोलेंगे कि तो चली जाएगी यहाँ से, कहीं नहीं जाने वाले हम, ना तो हमारे बड़े बुजुर्ग इन्होंने भागड़ा सीखा, ना हमने भागड़ा सीखा, हम लड़ने वाले लोग हैं, मैदान में डट के रहने वाले लोग हैं। बात से मैं आप सब का इसी के आशीर्वाद मांगने आए, क्योंकि अगर समस्याएं आप बताओगे निवारण में से चाहते हो, तो निवारण करने की जो ताकत है वो मेरे पास नहीं है, वो आपके हाथ में है। अगर वो ताकत आप अपनी बेटी को, इस बहू को देने का काम करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके जितने भी आपके मेरे से उम्मीदें हैं, आपकी मेरे से आशाएं हैं, उनको कभी भी मैं कम या निराश होने का काम नहीं करूँगी। आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास को हमेशा बनाए रखने का, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहने, छोटे बड़े बहन भाई सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। और जितने भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे आप लोग हो, चाहे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जितने भी हैं, सभी लोग दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों से आशीर्वाद मांगने आए हूँ, हमारी पूरी पार्टी के लोग आशीर्वाद मांगने आए हैं। ये टिकट सबकी है, सबका इसमें हिस्सा है, सबका इसमें मेहनत है, सबका इसमें संघर्ष है। इस संघर्ष को सफल बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं सभी लोग। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार चाहिए, ताकि 10 साल जो आप लोगों ने खून के आंसू रोए हैं, जो बता रहे हैं कि बिजली की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, जल भराव की समस्याएं हैं, मैं फिर से नाम भूल गया हूँ, एक बार फिर से मेरे को नाम बता रहा। मैं नहीं हूँ इस फील्ड में, नाम याद नहीं रहे तो बुरा मत मानना, बहुत बड़ा परिवार बनता जा रहा है। अभी सुभाष जी ने जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है, वही मेरी भावनाएं हैं। मैं बहुत दिल से आदर कर रही हूँ आपका। आपने जो बोला है ना कि समस्याएं आप बताओगे, निवारण करना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। तो इसी बात से मैं आप सबका इसीलिए आशीर्वाद मांगने आए, क्योंकि अगर समस्याएं आप बताओगे निवारण में से चाहते हो, तो निवारण करने की जो ताकत है वो मेरे पास नहीं है, वो आपके हाथ में है। अगर वो ताकत आप अपनी बेटी को, इस बहू को देने का काम करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके जितने भी आपके मेरे से उम्मीदें हैं, आपकी मेरे से आशाएं हैं, उनको कभी भी मैं कम या निराश होने का काम नहीं करूंगी। आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास को हमेशा बनाए रखने का काम करूंगी। आप ऐसे जितनी भी उम्मीद करते हैं, उससे मैं 100 गुना 200 गुना ज्यादा बढ़ के दिन रात आपकी सेवा में, हम आपके बीच में रहने का काम करेंगे। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बोलेंगे कि तो चली जाएगी यहाँ से, कहीं नहीं जाने वाले हम, ना तो हमारे बड़े बुजुर्ग इन्होंने भागड़ा सीखा, ना हमने भागड़ा सीखा, हम लड़ने वाले लोग हैं, मैदान में डट के रहने वाले लोग हैं। परमात्मा ने आपके बीच में भेजा है, ये हमारे दुराना विधानसभा का भाग्य लगा लो, मेरा भाग्य लगा लो, सबका भाग्य है। परमात्मा की दया से एक सही दिशा में, एक सही जगह पैदा, इसलिए ये आपके बीच में मैं आई हूँ इतनी मेहनत करके। नहीं तो पूरे हरियाणा में बहुत सारी 90 विधानसभा थी, मेरे को कहीं से भी टिकट दे सकते थे। आपके बीच में मेरे को भेजा है, मैं चाहती तो मेरी जन्मभूमि भी जा सकती थी, लेकिन मेरी कर्म भूमि ने मेरे को बुलाया है, मेरे को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, जैसे खिलाड़ियों ने खिलाते आपने हमेशा दिया है, ऐसे आशीर्वाद प्यार आप इस क्षेत्र में भी अगर अपनी बेटी को, इस बहू को दोगे, तो आपकी मान सम्मान को, आपकी भावनाओं को, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं दिन रात एक करने का काम करूंगी। आप सबके आशीर्वाद से बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली 5 तारीख को अपनी बेटी को, अपनी बहू को आशीर्वाद देके हम दुलाना विधानसभा क्षेत्र का आने वाली चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं चाहती हूँ दुलाना विधानसभा क्षेत्र का अपना उसमें योगदान होना चाहिए, उसमें अपना सहयोग होना चाहिए, ताकि हम हक से अपनी आवाज को उठाए, हक से अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर सके। इतना सब आप लोग आए हो आशीर्वाद देने के लिए, प्यार देने के लिए, आपका ये एहसान, आपका ये कर्ज, आपकी बेटी चुकाना चाहती है, इसके लिए आपका आशीर्वाद, आपका ताकत, आपका प्यार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतना सब देने के लिए।